दोस्तों स्पीडो मैच जो कवर करने वाले जो कि फर्स्ट टेस्ट मैच खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया वुमेंस और साउथ अफ्रीका वुमेंस के बीच खेला जा रहा है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आपको चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। और फर्स्ट टेस्ट मैच है वुमेंस का, और टेस्ट मैच इसको बेस्ट मैचेस भी कहा जाता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। उसके बाद नहीं, इसके बाद ये वाला मैच भी जो कि मुझे बहुत बहुत सही मैच लग रहा है, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा इस मैच तगड़ा। फिलहाल हम अपने वुमेन मैच फोकस करते हैं क्योंकि वुमेन मैच इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा अच्छे रहते हैं। तो सबसे पहला काम कीजिए, सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे मैच स्टार्ट होगा, कल सुबह ये मैच है। तो सबसे पहले काम कीजिए जो कि आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक सिंगल पैसा खर्च नहीं करना। और फाइनल टीम आपको सबसे पहले मिल जाता है, आप कंपेयर भी कर लेना किसी से भी, आपको तगड़ी और विनिंग टीम और फ्री में आपको प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी 36,000 से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ज्वाइन कर लेना। और आप भी जानते हैं कि पूरे फैंटेसी फील्ड में जैसे टीम मैं देता वुमेन्स मैच की, पूरे फैंटेसी फील्ड में कोई नहीं देता है, ये आप भी जानते हो। तो टेलीग्राम चाहे जो से ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दूँ, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चाहे, 36,200 से ज़्यादा लोग है, उसी टेलीग्राम चाहे को ज्वाइन कीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, मैं कोई भी टाइम पास वगैरह नहीं करना चाहूंगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी को कवर अप करूंगा। और हाँ, आपने बोलना भूल गया, सर्च करना चाहो तो सर्च भी कर सकते हो, सर्च करना F11 टीम, सर्च करना टीम भी, सर्च करना F11 टीम, चैनल आपको देखने को मिलेगा। तो जो ज्वाइन कर लेगा, फिर वो सब तो ज्वाइन कर ही लोगे, वो बात की बात है, वो सब छोड़ो। ये मैच पार्थ में खेला जाएगा और ये मैच सुबह स्टार्ट हो जाए अपने इंडिया के हिसाब से 8:30 बजे, ये सब पता है। एक बार हम टाइम पर नजर मारते हैं, पार्थ का विकेट हर कोई जानता है, थोड़ा बड़ा विकेट है, न्यूट्रल विकेट टीम से बन वुमेन मैच में ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली विकेट होता है, न्यूट्रल विकेट ही समझ के टीम क्रिएट किया करो, ज़्यादा फायदा मिला होगी। अगर पावर हीटर सब है तो उस समय थोड़ा सा बैटरी उस पर फेंक दिया जाता है, वो सब जो पुरानी बातें छोड़ो। सबसे पहले बात करते हैं लाइनअप्स में, तो देखोगे लाइनअप से अगर आप देखोगे तो इनके लाइन से मुझे थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, मेरे साइड से जो मुझे लगता है चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ओपन करेंगे पीट मुनी, ओपन करेंगे बॉबी लिची फील्ड के साथ, ओपन करेंगे एलिस पैरी, वन डाउन बैटिंग करेंगे टीम से, नो डाउट मेरी क्रश है, हर कोई जानता है एलिस पैरी, मतलब कि पूरे फैंटेसी फील्ड में हर किसी को पता है एलिस पैरी किस लेवल के प्लेयर है। उसके अलावा थाली मेघराज भी अवेलेबल है, एलिस हैली जो कि पता नहीं कैसे खेल रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा कोई प्रेगनेंट होकर कैसे खेल सकती है, अब ये न्यूज़ फेक है या फिर ये बात फेक है मुझे नहीं पता। फिर ना बैटिंग करेंगे टीम में से, हालांकि ओपनर है हर कोई जानता है, विकेट कीपिंग भी यही कर रही है, एनाबेल स्टरलैंड भी अवेलेबल है, एशली गार्डनर भी अवेलेबल है, जी जोनास भी अवेलेबल है, अलाना किंग भी अवेलेबल है, किम वर्थ भी अवेलेबल, लॉरेंस चेटल मेरी फेवरेट बॉलर है, आप हर कोई जानते हो कि वो मेरी फेवरेट बॉलर लॉरेंस चेटल है, जबरदस्त बॉलिंग करती है, बंदी न्यूबॉल से स्टार्ट करती है और विकेट लेके भी जाती है, अच्छी है। बेंच प्लेयर्स की बात करें, मैं बोलूँ क्या चेंजेस है, मेगन स्कॉट बेंच पर रहेगी, जॉर्जिया वॉरे बेंच पर रहेगी, डेरिक ब्राउन तक बेंच पर रहेंगे भाई, उसके अलावा सोफिया मलिक उसी बेंच पर रहेगी, गेरिस हेरिस बेंच पर रहेगी, हैदर भी बेंच पर रहेगी, इतने तगड़े तगड़े नाम सब बेंच पर रहने वाली है, इसलिए बोला तो बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। खुद से देखो नहीं कि बड़े बड़े प्लेयर्स बेंच वाला की यहाँ पे बहुत तगड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पे भी बहुत तगड़े प्लेयर्स हैं। तो देख लो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स का लाइनअप्स देख लिए, अब उसके लिए बात करते हैं साउथ अफ्रीका वुमेन्स के। तो ओपन करेंगे लॉरा वॉलबेट, ओपन करेंगे लारा गोडिल के साथ, ओपन करेंगे सुनील वर्मा और तमीम सकिनो, वरना बैटिंग कर फोन पे लिख रखा हो, लेकिन जनरली बहुत नीचे बैटिंग करेंगे, ऑब्वियस बात है बॉलर है, मर्सिना कैप एक इंपॉर्टेंट है, एनिका बॉज भी अवेलेबल, नेटली क्लर्क अवेलेबल, स्टोन जाप्टा है, चार्ली टर्न है, उसके अलावा एम क्लास एन मरवा है, तो इनका लाइनअप से मुझे परफेक्ट वही लाइनअप लगा जो हर बार यूज़ करते हैं। बस यहाँ पे तमीम सकिनो एक आई है जो कि बहुत कम मैचेस खेलती है लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग करती है, मैं लास्ट टाइम पहले पिक करता तो 18-19 वैसे भी पिक किया करता था इनको, बहुत अच्छी बॉलिंग करती थी, तो 20 में भी मैं इनको पिक किया करता था, और जब भी पिक करता था ट्रम्प कार्ड के तौर पर भी पिक करता था, वो भी टाइम था मेरे रिस्क लेने के, लेकिन अब उतना तो मज़ा नहीं आता, लेकिन ठीक है। बेंच प्ले बाद सर ताजविन ब्रिटिश बेंच पर रहेगी, डे टू का बेंच पर रहेगी टीम से, उसके अलावा टीम द सेम, कोई इनके बड़े प्लेयर्स तो बेंच पर नहीं है लेकिन ठीक है, इनका लाइनअप से दोनों टीम के लाइनअप देख लो कि इसी के अकॉर्डिंग हमें टीम क्रिएट करना है, बेंच प्लेयर्स पर नजर मारना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज नहीं तो पिक कर लोगे तो फिर बाद में दिक्कत कर जाएगा, हालांकि सुबह का टाइम इतना भी मैच है इसमें तो एक्टिव ही रहोगे आप लोग। देखो इस वक्त इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहो, CWS लीग जो कि आपको पता है कितनी बड़ी सीरीज रहती है, बहुत ज़बरदस्त सीरीज है CWS, ये स्टार्ट हो रहा है इसमें ना आग लगा देते हैं, तो सब्सक्राइब वाला बटन हुआ अभी दबा लो क्योंकि आप ही का फायदा है। आज के टाइम में देख रहा हूँ सभी आपसे बहुत सारे एड्स वगैरह आ रहे हैं, प्लीज़ उनसे दूर रहना, मैं अवेयर आपको कर रहा हूँ, जो भी एड्स आते हैं कि ये मतलब कि कोई भी हो उस ऐड पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना, जो ऐड आता है ना कि हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वो एकदम फ्रॉड होता है पैसे लेके, वो मेरा नहीं होता, मैं पहले बोल रहा हूँ उनसे दूर रहना, आप सीधा सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल, वहीं पर लोग लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेते हैं, वो बहुत गलत है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ज्वाइन करना मेरे भाई, और वो से तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा लो, अच्छा रहेगा, वो अच्छा रहेगा टीम से, वो सब्सक्राइब कर लोगे तो आप ही का फायदा है।
बात करें विकेट कीपर शिंग, दोस्तों क्लब से वीडियो को जूस लाइक करो, मोटिवेशन मिलता है प्लीज वीडियो यूज लाइक कर देना, चैनल से तो पर सेट करो जिससे आने वाले वीडियो से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिला है, तो सब्सक्राइब जो से कर लेना, बहुत तगड़ा मोटिवेशन मिलता है। और आपको ऐसा चैंपियन मिलेगा नहीं जो कि सालों से फ्री में टीम प्रोवाइड कर रहे हो, वो भी वुमेन मैच की, ऐसी टीम कोई नहीं देता है। धोनी विकेट कीपर चाहिए, अब देखो मैं पिक तो करता किसी एक को, लेकिन क्या है कि एलिसा हेली फॉर्म, पहली बात तो देखो टेस्ट मैच है, डबल टाइम बैटिंग करेगी, एक ना एक मैच है मार ही लेगी, तो बीट बनी को ड्रॉप करना तो बेवकूफ़ी रहेगा, लेकिन एलिसा हेली को पिक करना ड्रॉप करना भी बेवकूफ़ी रहेगा। मैं खुद कन्फ्यूज हूँ कि एलिसा हेली को पिक करूँ नहीं करूँ, क्योंकि प्लेयर पहली बात तो अच्छी है और हिटिंग भी अच्छी करती है, मैं पिक कर लेता हूँ, किसी को ड्रॉप करना देखा जाएगा। एलिस पहले सवाल ही नहीं उठता ड्रॉप करने का, थालिया मिग्रा लॉरेन बॉलबेट तीनों इंपॉर्टेंट है, पहले मैं सुनील यूज था, देखो ये सब भी अच्छी, मैं मना नहीं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ये सब भी अच्छी है भाई, लेकिन वो भी लिचफील्ड की बात अलग है, सुनील यूज भी अच्छी है, और ये दोनों तो एक्सपीरियंस है, सुनील यूज से एक्सपीरियंस कुछ आता है, इन सबसे एक्सपीरियंस सुनील यूज है, बट तीन पे क्या हो, तीनों अच्छी है टीम से पिक करके चलते। उसके अलावा मर्जी ने क्या, ये सब नो जी हूँ कि मैं मतलब क्या कैसे टीम क्रिएट करेंगे यार, ऑस्ट्रेलिया वाले में यही दिक्कत होता है कि ये स्टार्टिंग में ज़्यादा प्रेस पिक करना पड़ जाता है। अब यहाँ से मैं एक ही बॉलर कैसे लेके जाऊँगा, हम बता देता हूँ, मेगन स्कॉट अवेलेबल नहीं है, 68% लोग पिक करें अवेलेबल नहीं है, एम क्लास अवेलेबल है, अलाना किंग अवेलेबल है, जॉर्जा बॉर में अवेलेबल है, सोफे मलिक अवेलेबल नहीं, किम गर्थ अच्छी हिटिंग करती है बॉलिंग ऑलराउंडर है, डेरिक ब्राउन अवेलेबल नहीं है, ठीक है तो ये सब अवेलेबल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ये सब अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल है, तो 11 पे आप चाहो तो कहीं किसी को पिक कर सकते हो। और आप बोलो कि ऑलराउंडर पाँच क्यों पिक है, पाँचों इंपॉर्टेंट भाई, किसको ड्रॉप कर सकते हो, किसी को ड्रॉप करने वाला प्लेयर है, किसी को ड्रॉप नहीं कर सकते, नेडली क्लर्क भी पिक कर सकते हो क्योंकि वो भी एक अच्छी ऑप्शन है, अगर आपको नेडली क्लर्क चाहिए तो आपको एक विकेट कीपर ड्रॉप करना पड़ेगा, अदरवाइज बॉलर के साथ चले जाओ, अलाना किंग के साथ में जा रहा हूँ, आप किम गर्थ को भी ट्राई कर सकते हो अपनी टीम में, क्योंकि किम गर्थ को हिटिंग करना भी जानता है, तो टीम ओवरऑल मेरी बन चुकी जैसे टीम मुझे बनानी थी, हालांकि इस टीम में एक चेंजेस मैं जरूर से करूँगा, अब वो देखते हैं आफ्टर टॉस अब डिसाइड करूँगा, कि मुझे एलिस पैरी को, सॉरी एलिस पैरी को मैं ड्रॉप करूँगा नहीं, कभी जिंदगी में पैरी को ड्रॉप नहीं कर सकता भाई, पैरी मतलब लिटरली मेरे बहुत लकी है। कैप्टन से बात करें तो देखो ऑब्वियस बात है, मैं पैरी एज ए कैप्टन सबसे पहले प्रेफर करूँगा ग्रेट लवर्स के लिए, बट स्मॉल टीम में मर्जीना कैप सबसे बेस्ट है, वाइस कैप्टन एशले गार्नर, क्योंकि बॉलिंग भी दोनों पूरे अमाउंट में करेंगे, बैटिंग भी दोनों पूरे अमाउंट में, मतलब बैटिंग भी दोनों इनफॉर्म है, हालांकि मेरा मन पहले पैरी का था एज ए कैप्टन जाने के लिए, और वाइस कैप्टन मर्जीना कैप, लेकिन सिलेक्शन थोड़ा सा हाई है मर्जीना कैप एज ए कैप्टन गया, वैसे भी अभी वनडे मैच फॉर्म में थी, बैक हालांकि इंजर्ड भी हो गई थी लेकिन फिर भी खेलने आई थी, इस लिहाजा अभी कैप्टन गया, वाइस कैप्टन एशले गार्नर के साथ गया। आप उसके अलावा थालिया मिग्रा, एलिस पैरी, जी जोनासन, एनाबे स्विटरलैंड, ये सब के तगड़े नाम थे सीबीसी के लिए, लेकिन मैं जो टीम प्रोवाइड कर रहा हूँ ये हेड टू हेड से 100 मेंबर्स तक की है, मैं अपना वाइस कैप्टन हो सकता है कि पैरी को भी करूँ, देखा जाएगा आफ्टर टॉस, क्योंकि पैरी भाई अब देखो पैरी का सेंचुरी देखा हूँ बहुत दिनों के लिए, एक से अपना वाईफाई कनेक्ट कर दे दो, ठीक है तो वो सब छोड़ो, सेम टीम अकाउंट बुक कर दो, सेम टीम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सेम टीम से जा सकते हो, टीम एकदम परफेक्ट है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, एज ए कैप्टन मर्जीना कैप, वाइस कैप्टन एशले गार्नर, मिलते हैं फाइंड स्टेडियम पे, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, कोई भी छोटा से छोटा डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बता देना, बाकी रहने के तो लॉरेन बॉलबेट को, लॉरा बॉलबेट को, और एक सेकंड लॉरेन चेटल को मैं पिक करना भूल गया, लॉरेन चेटल को फाइंड में जोर से पिक करूंगा, ड्रीम ने ऐड नहीं किया बट लॉरेन चेटल अवेलेबल स्क्वाड में, ध्यान रखिएगा लॉरेन चेटल जो डोमेस्टिक मैच है वहाँ पे नहीं खेल रही है, यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है ड्रीम ने ऐड कर दे, तो उसको भी देखा जाएगा, बट टीम एकदम न्यूट्रल एकदम परफेक्ट टीम है, इस टीम में टीम अगर पहले बैटिंग भी करे कोई तो उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई पहले बॉलिंग भी करे तो उससे फर्क नहीं पड़ता, एकदम न्यूट्रल टीम आपको दिया हूँ जिसके साथ जाकर कॉन्टेस्ट सभी बुक कर सकते हो, और ग्रैली खेल रहे हो तो जो से मेरी तरफ से हाई रिकमेंडेशन है कि एलिस पैरी, बीट मुनी, थालिया मिग्राद, एंड एम एस स्विटरलैंड, ये टॉप नाम से सी बी सी ग्रैली टीम में, यार यार ही प्लेयर पिक कर सकते, दिक्कत है छोड़ो सब चीज़ें, बाकी टीम सही है, मैच भी सही है, फर्स्ट टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच बेस्ट मैच है, बस हाँ रिक्वेस्ट है ये कि फ्रॉड लोगों से दूर रहना, आप हमारा टेलीग्राम चाहे ज्वाइन कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कीजिएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूँगा, सर्च करना तो सर्च भी कर सकते हो F11 टीम, अब बिना स्पेस देखें F11 टीम लिखोगे चैनल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अच्छा रहेगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, बाकी वीडियो को जो लाइक कर शेयर जो शेयर कर देना, और वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद।